अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी मट्टी आना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी आ चुकी है और वहाँ पर भी आ चुकी है, और तकरीबन दोस्तों ये 3 से 4 ट्रालियाँ हैं। और भाई ने बोला है कि हमारे इस ग्राउंड को फुल होने में आपकी जो ट्रालियाँ लगेंगी तकरीबन 30 से 35 लगेंगी, और फिर जाके आपका ये सारा का सारा लेवल होगा। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, और शुरुआत में ही दोस्तों हमारी बेर का दरख्त टूट गया। मैं कह रहा था सिप्टैन को कि यार ये हमारे काम आएगी आगे चल के, लेकिन यहाँ से आई है ना वो ट्राली तो इसके ऊपर चढ़ गई और सारी बेचारी टेढ़ी होगी। इसको बांध देते हैं ना, फिर सही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो दोस्तों आज ना हमने अपनी बकरियों को उनका मनपसंद घास दे दिया है, और तकरीबन उन्होंने खा भी लिया है क्योंकि ये वाला घास इनको बहुत पसंद है। और ये मैंने सुबह डाला था, देखें सुबह वाला घास वैसे का वैसे है, और ये वाला घास इन्होंने आधा घंटे में ही ख़त्म कर दिया। बाहर आ गई है सिप्टैन भाई। चलो चलो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये देखिए मछलियों के बच्चे माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से थे और अब देखें दोस्तों मछलियों की तरह नजर आ रहे हैं माशाल्लाह यार। पहले कीड़े नजर आते थे, बहुत छोटे छोटे से थे, अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। और इधर हमारी बीटा फिश थी दोस्तों, तो मैंने बीटा फिश को क्या कर दिया था कि फाउंटेन में शिफ्ट कर दिया था। मुझे दरअसल डर लग गया था कि जार में क्या पता बीटा फिश भी मर जाए, तो मैंने इस जार को भी खाली कर दिया था। अब तीनों जार दोस्तों खाली हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि हम आज तीनों जारों में कुछ मछलियाँ रखेंगे, और वो वाली मछलियाँ लेकर आऊँगा दोस्तों जो कन्फर्म होंगी कि ऑक्सीजन के बगैर रह सकती हैं। यह कभी वाइट खरगोश अंदर होती है, और कभी ये वाला ब्लैक एंड वाइट अंदर होता है। मुझे नहीं लगता कि यार ये दोनों एक ही घर में एडजस्ट कर पाए। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट, और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि टर्की मेल है, और इसको हम वापस करने जा रहे हैं क्योंकि हमसे हो गई थी भूल। हमारे पास ऑलरेडी एक टर्की मेल था, तो हम एक एक्स्ट्रा लेकर आ गए। तो क्या करेंगे कि एक फीमेल टर्की कोशिश करेंगे, अगर हमें मिल गई तो ले लेंगे, नहीं तो इसके बदले हम कुछ और परिंदा ले लेंगे। फीमेल तो है हमारे पास, फीमेल दो हो जाएंगे तो क्या होगा यार। एक मिनट, मैंने अभी ड्रेन खोला था यार, तो उसको तो बंद करके जाना होगा। असल में मैं सोच रहा था कि पानी मैं चेंज कर लूं, तो अभी तो हम जा रहे हैं तो वापस आकर ना चेंज कर लेंगे पानी। अभी इसमें मछलियां रह लेंगी। नहीं आपने नहीं जाना। ओके बाय। नहीं खड़ा ना। ओए 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 यार, नहीं है यार। तो आज दोस्तों मछलियों वाला भाई नहीं खड़ा हुआ, हम समझ रहे थे कि खड़ा होगा, लेकिन आज उनकी छुट्टी है। हाँ भाई क्या सीन है। तो यार ये वाली दुकान भी बंद है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। मछली वाला भी नहीं था और ये वाले भी बंद है जहाँ से हमने चेंज कराना था। तो भाई फोन कर रहे हैं उसको, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ क्या हुआ? आधे घंटे के बोल रहे हैं क्या? आधा घंटा जी वेट करना पड़ेगा। चलो यार वेट करते हैं। भाई आपके पिंजरे हैं ये, थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं? तो ये जुगाड़ तो हो गया भाई। हाँ अब ठीक है, चलें जी। हाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी बतखें हैं, और इस तरह की हम सोच रहे हैं लेने के लिए, लेकिन जूम है, छत पर नहीं रख सकते ना। छत पर नहीं रखेंगे, नीचे वाली जगह पर ये आराम से रखी जा सकती है। देखिए कितनी प्यारी है ये, उनसे ज्यादा प्यारी लग रही है ना। वो सिंपल वाली है, ये थोड़ी फैंसी में लग रही है मुझे। अब तकरीबन एक घंटा हमने वेट किया भाई का, तो आप निकालो इसको। ये दुकान वाला भाई आ नहीं रहा, तो हम दोबारा इसको घर लेके जा रहे हैं वापस। मैं देख रहा हूँ इस दुकान में क्या क्या पड़ा है। तोते वगैरह है, कुछ खास नहीं है। तो अभी हम एक और शॉप पे आए हैं कुछ और लेने के, उसके पास तो कुछ खास था नहीं भाई के पास। तो हमें यार एक चीज नजर आई है यहाँ पर, देख रहे हो आप? ये मैना है ना ये, लेकिन जंगली है ना सिप्टैन। हाँ ये जंगली है, इसकी चाल से लग रहा है कि ये ना उड़ना चाहती है, निकलना चाहती है यहाँ से भाई। तो हम यहाँ से इसको लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसको आजाद करेंगे। ठीक है तो आप? हाँ ले लेते हैं, ले लेते हैं यार। तो अब दोस्तों हम जा रहे हैं घर। हमारा टर्की बर्ड तो चेंज नहीं हो सका, और ना ही मछलियों वाला भाई आज आया है, देखें अभी तक भी नहीं आया हुआ। तो हमारे पास अब इस टाइम टर्की बर्ड और मैना है, और हमने सोचा कि यार इन मैना को ना कुछ दिन अपने पास रखेंगे और आज़ाद कर देंगे। तो अभी यार घर चलते हैं, शाम होने वाली है। तो यार शाम हो चुकी है और हम घर पहुंच चुके हैं। चलो भाई तो वापस, चलो घर चलो। ये वापस यार घर आ गया, और हमारे हाथ में है मैना। इसमें ही रखते हैं मैना। हाँ इसमें रखते हैं। चलो भाई ओहो बंद कर दो, निकलना जाए। तीन मैना खोल लिए और चौथी भी खुल गई है भाई। और एक एक मैना यार भाई कह रहा था बोलती भी है, समझ आई है? हाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। काम करते हैं इसको ऐसे रख देते हैं और सुबह देखेंगे इनको गौर से। अच्छा इसको यार खाने में क्या देते हैं हमें आइडिया नहीं है दोस्तों। 3-4 दिन हम इनको घर में रखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, उसके बाद हम इनको आजाद करेंगे। चलें जी चलें। सही सी रखो, सही सी। ब्लैकी खाने आ रही है इनको। हाँ ना
नहीं ऊपर बैठती है ना वो यहाँ पे, उसकी आदत है इस वजह से। इसको यहाँ से उठा दो, हटा दो यहाँ से, हटा दो। ब्लैक ही पकड़ना चाह रही है ना, देखो। हाँ ये देखे, पूरा फुल हमला करना चाहती है। ब्लैक ही को भाई यहाँ से निकालो भाई, ये क्यों कर रही है ऐसा यार? पता नहीं यार, या तो ये खेलना चाहती है या तो खाना चाहती है, एक चीज है यार। इनको वापस उठाओ और किसी अच्छी जगह रखो, मास्टर केज में फिलहाल रखते। हाँ चलो यार, इसको छोड़ देते अंदर। इन बच्चों को ना इसके पास रखना होगा। आ जा सारे तुझे रख दिया यार मैंने अपनी माँ के पास। तो मैंने दोस्तों मैना को ना मास्टर केज में रख दिया है, और आज रात ये मास्टर केज में रहेंगी, और कल सुबह हम इनको दाना पानी करेंगे। अभी हम इनको दाना पानी नहीं कर सकते क्योंकि रात हो गई, इनको नज़र वैसे भी नहीं आना, और सुबह तक वो दाना पानी हो गया होगा ख़राब। तो फ्रेश हम सुबह रखेंगे, अभी हम इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं और सुबह आके इनसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो गई है और मैंने अभी भी देखा कि यार सारी मैना बाहर निकली हुई हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इन सबको पहले पकड़ना होगा और फिर इनके पिंजरे में डालनी होगी ये वाली उनकी खुराक, और देखते हैं खाती भी है या नहीं खाती। सितना आ जाओ, मैना को पकड़ते हैं। निकली कैसे होंगी यार? वो कील था ना इधर, वो गिर गया होगा। अच्छा चलो इनको पकड़ते हैं। दो मैना दोस्तों हमारी ये बैठी हुई है और एक इस पिंजरे के पीछे है, पकड़े एक ये बैठी हुई है। जल्दी जल्दी पकड़ते हैं, और परिंदे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, देखो चिल्ला रहे हैं। यार पकड़ लिया मैंने तो। हाँ ये देखो गीली है, मेरे ख्याल में नहाया इधर पानी में। अच्छा चलो इनको रखो मैं। जाओ जी, ये वाली बहुत तेज है यार, ये देख रहे हो, ये हाँ देखें जी मैंने पकड़ ली। ओए उसने ड्रामेबाजी की, ऐसे लटक गई थी, मैंने कहा मर गई है, मैंने छोड़ा फिर भाग गई। तो तीनों मैनाओं को हमने पकड़ लिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। एक दो और ये तीन, इनको बाहर ले और बाहर इनका खाना रखते हैं। चलो आज अब दोस्तों हम इनको खाना डाल देते हैं और देखते हैं ये खाती भी हैं या नहीं खाती। तो यहाँ पर खाना रखते हैं और ये भी लगा, ये वाली लकड़ी ना बैठने के लिए इनके लिए लगा लेते हैं ऐसे, और कुछ टाइम इनको फ्री होने देते हैं और फिर इनके पास आते हैं। ये देखें अभी एक सेकंड ही हुआ हम साइड पे हुए हैं और ये खाने पे टूट पड़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मनपसंद खाना यही है, रोटी और कुछ ब्रेड वगैरह हमने डाली है, भिगो के डाल दी है। देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों हमारी सारी मैना बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, और इनको 4 से 5 दिन रखेंगे और फिर हम इनको आज़ाद कर देंगे। फिलहाल हम इनको रैबिट हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो चलें दोस्तों इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं और हम अब जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी कबूतरी ने अंडा भी दिया हुआ है, और मेरे ख्याल में ऊपर वाली कबूतरी ने भी अंडा दिया हुआ है, बल्कि इसने एक नहीं दिया हुआ, दो अंडे दिए हुए हैं। नहीं नहीं एक ही दिया हुआ है दोस्तों, एक ही है इसका अंडा और इसका भी एक ही अंडा है। जो इनके अंडे खाती थी ना मुर्गी, गंजी मुर्गी, वो अब बेचारी चली गई है, अब इनके अंडे सेव है। नहीं तो क्या होता था, गंजी मुर्गी इनके अंडे आके तोड़ देती थी, और इस वजह से दोस्तों हमारे इस दरबे में कबूतरों के अंडे बचे थे ही नहीं, आ ही नहीं रहे थे। काफी भाई कहते थे कि भाई आपके कबूतर ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, वजह यही थी गंजी मुर्गी की थी। और देखें मैंने ग्रीन पैरेट का दोस्तों परसों ये दाना रखा था और फुल करके रखा था, माशाल्लाह से सारा का सारा खा चुके हैं और ये सिर्फ ये छिलके बचे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनको बहुत ज़्यादा ये फीड पसंद है। ये कचरा दोस्तों मैं अब गिरा देता हूँ, ये मुर्गियाँ खा लेंगी, और ग्रीन पैड्स के लिए मैं अब और लेकर आऊँगा और रखूँगा इनको। हमारे ग्रीन पैड्स दोस्तों बहुत ज़्यादा अब खुश है मास्टर केज में। अब मुझे नहीं पता दोस्तों यहाँ पर ब्रीड कब करेंगे, दोनों हैं तो नर मादा, और ना ही दोस्तों मुझे इनके ब्रीडिंग के सीजन का पता है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे गाइड कर देना है कि ये कब अंडे बच्चे देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में जहाज को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और इधर हमारे देखें दोस्तों टर्की बर्ड तीनों के तीनों घूम रहे हैं, एक बड़े वाला नीचे घूम रहे हैं और ये दो हमारे अपने हैं। तो चेंज तो नहीं हो सके थे, कोशिश तो बहुत की थी। खैर दोस्तों यहाँ पर ये घूमता ही रहे, अब इसको चेंज नहीं कराएंगे हम। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे चल कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।